बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की पटरी बीजेपी के साथ बैठती नजर नहीं आ रही है। पार्टी लाइन से दर त्रिपाठी ने फिर से पृथक विंध्य प्रदेश की मांग की है और कहा है सरकार इस इलाके का विकास नहीं कर सकी है। बीजेपी के मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर एक बार फिर नजर आए हैं। नारायण त्रिपाठी का कहना है सरकार नहीं कर सकी है विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास। उन्होंने कहा है कि विंध्य में ना सड़कें हैं ना ही कॉलेज है, टूरिज्म के मामले में भी फेल है। कहां बुंदेलखंड और विंध्य में अकूत धन संपदा है जिसके बावजूद भी विकास में पिछड़ा हुआ है। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो इस विषय में मैं लगातार कई सालों से अनवरत इस काम पे लगा हुआ हूँ। अटल जी के सपनों पर आधारित विंध्य बुंदेलखंड का मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कहीं ना कहीं उपेक्षित जैसे है विंध्य बुंदेलखंड। वहाँ का एक एक आदमी विकास की राह देखता आ रहा है पर किसी भी तरह इन दोनों क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। हम बच्चों को यदि पढ़ाई के लिए भेजेंगे तो इंदौर भेजेंगे, हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हम दवाई के लिए भेजेंगे तो नागपुर भेजेंगे, दवाई की व्यवस्था नहीं। युवाओं को, छात्रों को, खेल कूद वाले जो बच्चे हैं यदि हम उनके बारे में सोचें तो कहीं कोई ऐसा स्टेडियम ग्राउंड नहीं है कि हमारे विंध्य बुंदेलखंड के लोग एक साथ कहीं ऐसा स्टेडियम मिल जाए कि खेल सकें। इसके बाद रोड की दृष्टि में देखें तो खजुराहो से सतना, सतना से रीवा, रीवा से सीधी, सीधी से सिंगरौली, चारों तरफ देख लें कहीं सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं हैं। हाई कोर्ट जबलपुर, खंडपीठ इंदौर, खंडपीठ ग्वालियर पर विंध्य बुंदेलखंड में खंडपीठ की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। किसी भी विषय में जाए हम 50 विषय में बात कर सकते हैं, कहीं विंध्य का वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।